वेलकम टू शबीज किचन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो रेसिपी बना के दिखाने जा रही हूँ उसका नाम है वेजी पिज्ज़ा। वेजी पिज्ज़ा बहुत कम समय में बन जाता है और ये सबको बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने जो सामान लिया है वो है पिज़्ज़ा बेस। ये आपको किसी भी बेकरी शॉप में बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये है कटे हुए कैप्सिकम, ये कटे हुए टमेटोज, ये नमक है, ये चिली फ्लेक्स, इसको हम सिजलर के तौर पे यूज़ करेंगे, ये है चीज़ क्यूब्स और ये टमेटो केचप। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस पे ये टमाटो केचप फैलाएंगे। इसको हम किसी स्पून की हेल्प से फैला देंगे। इस तरीके से फिर हम इसमें ये कटे हुए कैप्सिकम रखेंगे। इसके बाद हम कटे हुए टमाटोज डालेंगे इसमें। ये हमने इस पे रखा है। इसके बाद हम बहुत हल्के से इसमें नमक डालेंगे। फिर इस चीज क्यूब को हम इसमें क्रश करेंगे। हमें क्यूब्स को इस तरीके से क्रश करना है कि ये सारे पिज़्ज़ा बेस पे आसानी से फैल जाए। अच्छे से कवर करना है। हमने चीज़ को इसमें क्रश कर लिया है, अब चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल करेंगे। बहुत थोड़ा सा मैंने लिया है। अब इसको हम माइक्रोवेव में रखेंगे। करीब 7 मिनट हम इसको मीडियम हाई पे रखेंगे। दोस्तों, हमारा वेजी पिज्ज़ा बनके एकदम रेडी है। मैं आगे से भी आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। थैंक यू।